I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. कुल्फी हाँ आ रहा हूँ मैडम। माँ मुझे भी चाहिए। दो कुल्फी देना भैया। तुम्हें ये चाहिए? जल्दी दो ना। कितना हुआ भैया? 30 रुपए मैडम। ये लीजिए। कुल्फी ऑर्डिनरी दूँ या स्पेशल दूँ? मेरी बेटी स्पेशल ही खाती है, आपको भी स्पेशल दूँ? स्पेशल और सादा में क्या है? स्पेशल में बादाम पिस्ता डालकर स्पेशल ही बनाया जाता है। घर में आप दोनों ही रहते हो क्या? 3 members 3 eyes। स्पेशल है सर। थैंक यू। स्पेशल है। अरे वाह, मेरी कुल्फी तो बहुत बढ़िया काम कर रही है। कौन सी कविता? गोल्ड विजन से कविता। एक मिनट, अरे ये तो अपनी काजू कतली है। अरे कविता, मेरी बात तो समझो कविता, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं सर, मैंने उसके लिए कॉल नहीं किया। तो फिर आज से आप भी दूसरों की हेल्प कर सकते अच्छा? हैं। वो कैसे? आपने कहा था ना आपके पास कोई काम नहीं हाँ। है। मुझे बहुत बुरा लगा हाँ। मैंने अपने मैनेजर से कहकर आपके लिए दूसरे डिपार्टमेंट में हाँ। एक जॉब की बात कर ली है। कल आते समय बायोडाटा ले लीजिएगा, एड्रेस पे मैसेज कर देती हूँ। सर आपका नाम? सर आपका नाम? विवेक। पक्का कल सुबह जाएंगे ना सर? सर क्या हुआ सर? एक बात बताओ कविता, मैं कौन हूँ ये तुम्हें पता भी नहीं है और तुम मुझे जॉब दिला रही हो, इसलिए मेरी आंखें भर आई। अब तुम्हें थैंक्स कैसे कहूँ? पता नहीं, मुझे थैंक्स कहने से अच्छा है कि आप चार लोगों की हेल्प करते हो। पक्का कविता, मैं कैसे हेल्प करता हूँ, बस तुम देखती जाओ। कल आपका वेट करूंगी सर। थैंक यू कविता, थैंक यू। जॉब पर जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन इस काजू कतली से तो मिलने पक्का जाऊंगा। कविता? आप कौन? विवेक। ओके, थोड़ा वेट करिए। हाय। हाय। कविता? नहीं, आप कौन? विवेक। आप थोड़ा वेट करो, मैं बुलाती हूँ। ओके। की काजू कतली की तरह बोल रहा था, ये तो सूखी मछली की तरह लग रही है। सबसे पहले तो घर जाकर जुबान पर गरम चिमटा लगा। अपना बायोडाटा दो मुझे। आप कविता हैं? I'm Julie। मैडम अंदर है, आ जाइए। हे भगवान। ओके मैडम, सब ठीक है। विवेक। कविता? जी हाँ। हाय। हेलो। ये हमारे मैनेजर हैं। नमस्ते सर। सर मैंने आपसे जॉब के लिए बात किया था ना, ये वही हैं। ऑल द बेस्ट विवेक। थैंक यू। बाय। कविता वो मैं आई। जी सर। जरा इधर आओ, ये बताओ तुम काम क्या करते हो? मुझे नदियों में तैरना आता है। जब भी खुशी बताती है तो मैं 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज भाग सकता हूँ। मैं वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहा हूँ। वो तो बहुत सारे घरों के दरवाजे चढ़कर उतरकर कूदकर। मार्केटिंग। सुपर सर, सही पकड़ा है। मिस्टर सचिन बोलिए सर।
ये आपके टीम लीडर है। हेलो सर। ये हमारी कंपनी में ज्वाइन हुए हैं, एग्जीक्यूटिव है, अच्छे से ट्रेनिंग दे दो। ओके सर। आप आज से ही कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। हाय अजय सर, ये हमारी कंपनी के नए एग्जीक्यूटिव हैं, इनको प्रोडक्ट के बारे में बताओ। और इनकी ट्रेनिंग तो ठीक से चल रही है ना? हाँ कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी बेगर्जी दिखा रहे हैं। आप आकर ट्रेनिंग दे दो ना मैडम, मैं सीख लूंगा। He can go for demo. Are you sure? Yeah. Vivek, ये देखो, इसमें हमारे products हैं, संभाल कर। 3 दिन तक ये तुम्हारे साथ रहेगा, उसके बाद अकेले जाना होगा। Anyways, okay. All the best. Careful. Okay sir. भोपति, तुम इनके साथ रहना, ठीक है? Boss, ये product की कीमत कितनी होगी? यही कोई 20,000 होगी। Oh, 20,000? हाँ। और इस बाइक का मॉडल कौन सा है? 2014। हाँ। तो इसके भी 20,000 मान लो। हाँ। क्या बात है, प्रोडक्ट के 20,000, बाइक के 20,000, तो पूरे हुए 40,000। बॉस जरा जल्दी चलो। बॉस वरना मेरे पैसे तुम्हें देने होंगे। ठीक है सर। नहीं दिए तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। गेट लॉस्ट। क्या हुआ, तू क्यों रो रही है? सब लोग देख रहे हैं यार, चुप हो जाओ। मैं क्या करूं, वो फ्रॉड अपना फोन बंद करके बैठा है। तू अपने भाई से क्यों नहीं बोल देती? अगर ये बात भैया को पता चली तो मेरा जॉब रुकवा देंगे। अभी चुप हो जा, जो भी होगा हम देख लेंगे। तुझे एक आइडिया दूं क्या? क्या करना है? अपनी चेन उतार। चेन? अपनी चेन उतार तो मैं बताती हूँ। सबसे पहले इस चेन को गिरवी रख के उस मैनेजर के पैसे सेटल करते हम, फिर उसके बाद सोचेंगे। सेठ जी, सुबह के 4 बज रहे होंगे। अचानक से जैसे बिजली गिरी और मैं उठ गया। क्यों भाई? सपने में मौत। सपने में मौत? अबे सपने में मौत? ओए, सुबह कोई मौत का सपना देखे तो शगुन अच्छा होता है। अच्छा? लगता है तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन वो मौत तो तेरी थी। कैसा लगा? सुबह सुबह ही मौत की बात कर रहा है। रुक, कस्टमर आए। आ जा जा जा। सेठ जी, मेरे फ्रेंड को पैसों की जरूरत है, इसे गिरवी रखना है। दिखाओ जरा। क्या है? ए, ऐसा क्यों किया तुमने? तुम परेशानी में हो ये सोचकर तुम्हें जॉब दिलवाया था। मैं क्या करूं? सारा सामान चोरी करके ले गए। क्या कहा? चोरी करके ले गया? नहीं मतलब लेकर चले गए। तू चोर से सर से डर के बातें की जा रही है? ओए, तूने चोरी का सामान वापस नहीं किया तो पुलिस के हवाले कर दूंगी। तू तेरी आवाज से मुझे डरा नहीं सकती, पुलिस का नाम लेकर मुझे डरा रही है। अबे सेठ, पुलिस को फोन लगा। अरे फोन लगा। पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। सेठ, यू कॉल पुलिस। सर प्लीज, मेरा सामान मुझे वापस कर दो। प्लीज सर, पुलिस को मत बुलाइए सर। ये देखो, मैं कोई तुम्हारी चीजों को चुराने नहीं आया था। फोन पर तुम्हारी वॉइस सुनी, बहुत ही स्वीट लगी थी, इसलिए सामने से देखना चाहा तो तुम तो एकदम मस्त लगी। मैं तुम्हें पटाना ही चाहता था, लेकिन उससे पहले तुमने अपना प्रोडक्ट मेरे हाथ में दे दिया तो मैं प्रोडक्ट ही पटा के ले गया। अब तुम्हें देखकर तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन प्रोडक्ट तो अभी नहीं है। बदले में पैसे ले जाओ। ओ सेठ, 30,000 दे देना। अरे सब मिलाकर 40,000 है सर। अच्छा ऐसा है क्या? सेठ जी, 40,000 दे दो। थैंक यू सो मच सर। सुनो, तुम पढ़ाई कहाँ तक की हो? बीकॉम। क्यों, क्या हुआ? आज ये घर ओके, कल भी ओके, परसों बस में जाकर कब अपने आप लिख दिया।
इसमें गलत क्या है? यहाँ तो अपना नाम लिख देता हूँ। अरे मेरी काजू कतली आ गई। यार ऐसा करना ही। हाँ होल्ड होल्ड होल्ड। हाँ ओके राइट चलो भाई। अच्छा वो अरे दिख रहा है क्यों क्या हुआ? मिरर नहीं दिख रहा है। कमाल कर रहे हो यार। भैया मैं सीन पर रख दीजिए। रुको मैं दे देता हूँ। जरूरत नहीं है। मैं दे रहा हूँ। ये लो भैया। तुम भी ना। अब कविता कविता मेरी बात तो सुनो जरा। कविता मैं आवाज दे रहा हूँ फिर भी चली जा रही हो। कविता अरे मेरी मेरी बात तो सुनो। ए, तुम क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? देखो तुम्हारी वजह से मैं बहुत कुछ झेल चुकी हूँ। जाओ यहाँ से। नहीं कविता तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। देखो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे कविता वो फर्स्ट नाइट मैटर प्यार सपना। चुप करो। ए छी ऐसे रोड पर खड़े होकर क्या बात कर रहे हो? बेवकूफ कहीं के कभी नहीं सुधरोगे तुम। छी कधे 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 यार कहीं सर कभी जगह फर्स्ट नाइट मैटर बोलकर फंस गया ना तू। ये कहते हैं कि किसी आशिक को साथ लेकर चला करो। क्या हुआ भाई? लव मैटर है। किसका? मेरा ही। What a funny joke. आगे बोलता हूँ। नहीं भाई मेरे जैसा स्मार्ट पर्सनालिटी वाला म्यूजिक डायरेक्टर होता तो कोई बात नहीं थी। उससे मुझसे प्यार हो सकता था। वो छोड़ तूने उस लड़की को आई लव यू कहा उसने क्या कहा? बोला लेकिन गाली देकर चली गई। क्या रोज जिस रास्ते से वो जाती है वहाँ जाकर। हाँ? कल रात मुझे एक सपना आया था। हाँ? वो भी फर्स्ट नाइट का सपना उसमें तुम ही थी कहा था। हाँ? तो मेरे पे थूक करके चली गई। तुझ पर थूक करने जाएगी तो क्या आरती उतारेगी? ए लड़की से प्यार का इजहार करना और बियर का बोतल खोलना एक ही होता है। दोनों ही धम से झाग उगलते हैं। हमें ही उसे उंगली से दबाना पड़ता है। नहीं भाई उसमें उंगली डाल दो तो झाग खुद ही अंदर चले जाता है। वो झूठे प्यार में। तेरा प्यार कैसा है? नहीं साइड डिश देते। बेटा बेबी बोलिए सर। जरा पेन और पेपर लेकर आना। अभी लेके आता हूँ सर। अरे यार ये सब लड़कियाँ कौन है? ये सब की सब मेरी आइटम है। थोड़े दिन के लिए घर गई है छुट्टी मनाने के लिए। अच्छा सर जाओ बेटा कंपोजिंग करो जाओ। सर हाँ कहाँ से चढ़ती है कहाँ उतरती है? उसके आते ही मुझे चढ़ जाती है और जाने के बाद पूरी उतर जाती है यार। ए, किसकी बात कर रहा है तू? फीलिंग्स की भाई। और तू क्या पूछ रहा है? मैं उस लड़की के बारे में पूछ रहा हूँ। ओह वो ना वो के नगर से शेयर ऑटो में चढ़कर सीधा अशोक नगर के माता के मंदिर के पास आकर उतरती है। लव कहाँ किया था तूने? वही पास में। अरे नवरात्रि चल रही है वहाँ भीड़ ज्यादा होती है। पैर लग जाए तो सॉरी बोलना चाहिए प्यार नहीं करना चाहिए। इडियट कहाँ पर जाकर प्यार करने लगा? नक्शा बना रहा हूँ चुपचाप शांत बैठ। पांडिचेरी गेस्ट हाउस के नगर में डबल टैंक बस स्टॉप पर माता जी का मंदिर है। यहाँ जाएंगे तो चप्पलों से मार पड़ेगी इसलिए वहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर नीचे गए तो मेट्रो ट्रेन है बहुत दिनों बाद चली है लेकिन टिकट बहुत ज्यादा है। देख भाई तू एक काम कर ये लेफ्ट लेकर राइट वहाँ जाकर प्रपोज कर। वहाँ कोई नहीं आता। मुझे बहुत डर लग रहा है यार। तो फिर मैं जाकर प्रपोज कर लूँ क्या? फनी जोक फनी जोक। कल तेरा कितने बजे का प्रोग्राम है? इट्स मॉर्निंग 8:35। 8:35 को तीन प्रोग्राम है। ओनर के बीवी को भी लेके जाना है। ए बेबी बेटा बोलिए सर। कल का हमारा प्रोग्राम क्या क्या है? सर कल 10 बजे रहमान सर के साथ कंपोजिशन है। लकी बॉय है यार। कल 10 बजे है। 8:30 को मैं खुद ही जाऊंगा प्रपोज करूंगा सेटिंग करके तुम दोनों को हनीमून पर भेज दूंगा ठीक है? ओह सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू यार। नीचे जाकर एक बोतल लेकर आ जल्दी। हां जाना। ए कविता मेरे बच्चे आईएएस बने उसकी जिम्मेदारी बस तुम्हारी है। ए मैंने तुझे कैसे सिखाया था एक ही स्केल में बोलना है चल बोल। एक कविता मेरे बच्चे आईएएस बने उसकी जिम्मेदारी बस तुम्हारी है। ए लड़की को प्रपोज कर रहा है या भीख मांग रहा है? वो लड़की तुझे चप्पल मार कर जाएगी। ए वो देखना वही है मेरी आइटम। ये लड़की है ये तो मेरे सेठ की दुकान पर काम करती है। मुझे कैसे पता? ए कल बार में एक लड़का अपनी चेन छोड़कर चला गया था सेठ की दुकान पर। चेन ले गया तो इसी लड़की ने मुझे पैसे दिए थे। अभी भी सेठ की दुकान पर ही जा रही है लगता है। अच्छा एक बार और बोल। ए सुनो कविता मेरे बच्चे आईएएस बने उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं सिखाता हूँ जल्दी आ वरना चली जाएगी। जल्दी कर आवाज दे कविता। कविता अरे सुनो तो जानू सुनो। अरे जोर से आवाज देना कविता। आवाज देता है मैं देता हूँ। ए कविता रुको। क्या चाहिए गुंडा लाकर डरा रहे हो मुझे? ये और गुंडा थैंक्स यार मुझे गुंडा समझ रही है। बोल डाल मौका है। अरे हाँ सेठ की दुकान पर काम करती हो मुझे बताया भी नहीं तुमने। ए, ये क्या बोल रहा है काम की बात करना। मैटर क्यों ओपन करना? डबल मीनिंग में बात करेगा तो मुझे गुस्सा आएगा। ए, कविता मेरे बच्चों के आईएएस बनने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हारे बच्चे आईएएस बनेंगे तो उसमें मैं क्या करूँ? हाँ यार उसमें ये क्या करेगी?
ये सब भी मैं ही बताऊंगा क्या? पहले दोनों को शादी करनी होगी, उसके बाद तुम दोनों के बच्चे पैदा होंगे, फिर उन्हें आईएएस बनाना। करेक्ट करेक्ट, मैं भी शॉर्टकट में यही बता रहा था, लेकिन तुम समझी नहीं। दूसरी लड़की ढूंढ लो। लेकिन दूसरी लड़की मुझे पसंद आनी चाहिए ना, मुझे तुम ही पसंद हो, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। इन सब के लिए मैं कोई दूसरी नहीं ढूंढ सकता। देखो सुबह सुबह मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? रुको, ये इतने प्यार से प्रपोज कर रहा है और तुम इस तरह चली जा रही हो, पहले इसकी बात का जवाब दो। तुम क्या सुनना चाहते हो? आई लव यू बोलो ना। क्या आई लव यू? देखो भाई मेरा काम खत्म हो गया, तुम शादी करो, हनीमून पर जाओ। क्या है, सुबह सुबह आकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं ऐसे नहीं, ये क्या मैंने अभी अभी देखा है, तुमने आई लव यू कहा ना। अबे तेरी तो भाभी से तो तू तू करके बात कर रहा है, माफी मांगी से अभी। ए, मैंने एक प्लान बताया, तू मेरी धुलाई कर रहा है। भाभी सॉरी भाभी। किसकी भाभी? स्टूपिड इडियट। देखो कविता, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारे साथ ही जिंदगी बिताऊंगा, हमारे बच्चे आईएएस पढ़ेंगे और हम दोनों मिलकर उन्हें पढ़ाएंगे। अब इसके आगे मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ, अपना दिल निकाल कर तुम्हारे कदमों में रख रहा हूँ, उसे अपनाना है या कुचलना है ये तुम्हारे हाथ में। तू कुछ बोलना है? भाभी कुछ भी बोलकर जाओ ना, पता नहीं क्या सोच रही हो। कविता, हमारे बच्चों को हम आईएएस में पढ़ाएंगे, आज रात को अच्छी तरह से सोना, क्योंकि आज मैं तुम्हारे सपने में आऊंगा। मैं सामान की चोरी करने नहीं आया था, फोन पर तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी थी, बहुत स्वीट लगी, सामने मिलकर देखते हैं तो तुम और भी मस्त लगी। ये देखो कविता, मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हारे साथ ही जीना है, हमारे बच्चे आईएएस पढ़ेंगे और हम दोनों भाई मिलकर पढ़ाएंगे। अपना दिल निकाल कर तुम्हारे पैरों में रख रहा हूँ। अपना दिल निकाल कर मेरे दिल के पास रखने से प्यार हो जाता है क्या? उसने अपना दिल मेरे पैरों पर रख दिया और मैं उसे बिना कुछ कही चली आई, कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? सच कह रही हो? अरे बाप रे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐश्वर्या रॉय खुद आकर अपने गहने देकर गई हो। क्या हुआ, तुम्हें ऐश्वर्या रॉय पसंद नहीं है? देखो विवेक, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन तुम्हारा चोरी करना नहीं। अगर मेरे सेठ को पसंद नहीं है तो मैं चोरी करना छोड़ दूंगा। तुम्हें एक सच्ची बात बताऊं विवेक, तुम्हें बार बार देखने के लिए ही मैंने उस सुनार की दुकान पर नौकरी कर ली। सच में? अगर ये सेठ हाँ बोले तो क्या मैं बाजू में के बैठ सकता हूँ? डिस्टेंस कुछ ज्यादा ही है, क्या मैं सेठ के पास आ सकता हूँ? अगर सेठ कहे तो मैं कंधे पर हाथ रख सकता हूँ? अच्छा, सेठ की सैंडल का साइज भी 8 है, दिखाऊं क्या? सेठ मजाक कर रहा था, हाथ रख सकते हैं। ए, लगता है ये कपल कोई वेजिटेरियन है, हम लोग कोई नॉन वेज आइटम ढूंढते हैं, चल। ए, बोले कैसे किस कर रहे हो? अरे सीनियर, तेरा झुकिए ना सीनियर, झुकिए ना सही। क्यों? अरे झुकिए ना सर, आप तो मेरे भगवान हैं सर, ऐसा पहली बार मैंने देखा है। बॉस ये सब गलत है बॉस। इतनी देर से सीन का मजा ले रहा है और अब गलत बोल रहा है। अरे मत मारो बॉस, इसको बाद में भी मार सकते हैं। उधर देखो क्या सुपर सीन चल रहा है। मतलब तुम्हारे बॉस और कोई काम नहीं है? वो हमारे बॉस की बहन है। तो क्या हुआ बॉस, तुम तो है ना, देख रहे तो। बॉस बोलो। चले आपकी बहन। मेरी बहन को क्या हुआ? एक लड़के की गोद में लेट के इश्क लड़ा रही है। तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, हथियार निकालना। बॉस आप भूल गए क्या, आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? विश्वकर्मा पूजा है, सारी दुकानें बंद है बॉस। मुझे क्या सुना रहा है, अगले 5 मिनट में वो मेरे सामने होने चाहिए फौरन, वरना तू इस दुनिया में नहीं रहेगा, सोच ले। ठीक है बॉस। कर रहा है, तेरे लेग मूवमेंट मिस हो गए क्या, और तुझे दिखाई नहीं दिया? मैं देख नहीं पाया। दूंगा एक मिला के। ए, थोड़ा थोड़ा नाच के दिखाओ, यहाँ कोई सनी लियोन का डांस नहीं चल रहा है, मरने वाला वापस जिंदा होके देखने लगे ऐसा नाचना चाहिए। लेकिन तुम्हारे डांस मूवमेंट देख के ऐसा लग रहा है कि मेरी सांसें ही रुक जाएंगी। अब तुम लोग मेरा डांस देखना तो ये धरती भी ई करेगी। कैसे कहते हैं डांस, देखो ऐसे डांस करते हैं।
और आज के इस डांस को हम नाम देते हैं बकेट डांस। ओके बॉस। और कल जो सीखेंगे उसका नाम होगा प्लेट डांस। ठीक है बॉस। तुम सब तैयारी करके आना। ओके ओके बॉयज, डिसमिस। जम्मा कुम्मा जम्मा। अरे सुनो चलो। यस बॉस। कल जब तुम लोग डांस करने आओगे ना तो चड्डी पहन के आना। क्यों बॉस? क्योंकि मैं लेट कर देखता हूँ ना तो मुझे कुछ कुछ दिखने लगता है। सॉरी बॉस। जाओ बॉस। क्या हुआ? लड़के को उठा के लाए हैं। लेके आओ उसे। ये कौन सा डांस है पता है कुछ? नहीं पता होगा क्योंकि इसे मौत का डांस कहते हैं। और अब तू मरेगा और तू ये देख नहीं पाएगा, इसलिए अभी देख ले जल्दी से। क्या डरा रहा है मुझे? पुराना डायलॉग मार रहा है। मैं और तेरी बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अरे रे चलो, हथियार निकाल के इसके मुंह में डाल दो। मौत का डांस अपनी कुल देवी की तरह है, इसे जो सबसे अच्छा करके दिखाएगा मैं उसी के साथ अपनी बहन की शादी करूंगा। अगले 7 दिन बाद मैं इस मौत के नाच को सीख कर आऊंगा और तेरी बहन से शादी करूंगा। अरे ये खानदानी कला है, खून में मिला होना चाहिए। 7 दिन में तू कुछ नहीं कर पाएगा मुन्ना। तेरी बहन के साथ अगर मेरा प्यार सच्चा है ना तो मौत का डांस सीख कर तेरे ही सामने नाच कर दिखाऊंगा। अरे हाथ पैर टूट जाएंगे बेटे। अरे दरवाजा खोल के इसे बाहर फेंको रे। 7वें दिन देख लूंगा मैं तुझे। हाँ अरे चल जाना जोकर, तेरे जैसे कहीं देखे। बोले भाई, आज मुकाबला आ गया। ठीक है भाई। नमस्ते नमस्ते भाई। सब लोग इधर आओ, इधर इधर। भाई बुला रहे हैं, जल्दी आओ। सुनो, अपने एरिया में एक मौत हुई है। हाँ? अपनी इज्जत का सवाल है। हाँ, ऐसा नाच नाचना है कि सीधा ऊपर चले जाए। ठीक है ना? ठीक है ठीक। देखो कैसे करना है। ये क्या है? लाटोनिक दे। अब सबसे पहले ठीक है भाई, देख लो ध्यान से। अब देखो मेरे कमाल ऐसे ऐसे। यही है क्या वो? नमस्ते भाई। बोलो कविता। ये मेरा बॉयफ्रेंड है विवेक। हाँ। मेरे भैया को ये पसंद आ जाए इसलिए 2-4 स्टेप सिखा दीजिए। अभी मेरे लड़के नाचने वाले हैं, सिर्फ तुम देखना। ठीक है? शीला का चुम्मा, शीला का चुम्मा। भाई एक चाय। हाँ क्या लीजिए। अरे खड़े खड़े तुम क्या देख रहे हो? उसकी मदद करो, उठाओ उठाओ उसको, उठाओ। ए चिल्ला की डुम्मा 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 की डुम्मा डुम्मा। सुपर बैट। अरे बाप रे, ये खून तो सूख गया है, साफ ही नहीं हो रहा है। चिल्ला की डुम्मा डुम्पा डुम्मा डुम्पा, चिल्ला की डुम्मा डुम्पा डुम्मा। पिताजी धर्मराज, आपकी दुआ से मेरा धंधा तेजी से चल रहा है। पिछले साल से भी ज्यादा मुनाफा इस साल हुआ, डबल होना चाहिए बस। युवराज की जय। भाई इस साल 1000 जनाजे पर नाचने का रिकॉर्ड बनाएंगे भाई। हाँ ठीक है मेरे चलो, ठीक है। कौन है यहाँ? नाचने की शर्त लगाई थी तो तूने क्या सोचा कि मैं डर कर भाग गया? अब मैं नाचूंगा, तू तैयार है? ये इस दुनिया का सबसे भारी मजाक था। मजाक मत कर, चल जा। भाई ए, ए,
नीचे कर, ऐसे हिल रहा है जैसे गोबर पे पैर पड़ गया हो। अब एक चीज दिखाता हूँ तुझे, देख इसे मग डांस कहते हैं। अरे पता है भाई, तुम बस यहाँ पे आ जाओ तेरे साथ आज वो भी देख लेता हूँ भाई। भाई अभी 9:55 ही हुए हैं। हाँ, तो तुझे उससे क्या करना है? अभी दुकान खुली नहीं है ना, मेरे हाथ पर कांप रहे हैं। थू, बाजू हट रहे। ए रवि, दीनू। रवि, दीनू, कीचड़ में रहने वाले ये लोग अब मेरे साथ नाचेंगे? बताओ। चालू करो रे। तो एकदम नई स्टाइल का था। इसी का नाम तो भाई वॉशिंग मशीन डांस है। इसके बाद ब्रश डांस, शैम्पू डांस, ऐसे कई तरह के डांस हैं। मेरे नाचने से कहीं तुम हिल ना जाओ, इसलिए मैं नाचा नहीं। ए, मेरी बात सुनो रे, मेरी बहन के लायक यही है, इसी से शादी करवाऊंगा। एक बला टली, लव ओके, साले साहब भी ओके, अब तो बस मजा ही मजा है। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे। बेड बिछाया था या नहीं, लव मूड में कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान, अरे सेल्फी सेल्फी। सेठानी। बोलिए सेठ जी। सुना है आपने तो आग लगा दी। और क्या, ऐसे ही छोड़ेंगे? मेरे भैया तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड हैं। आज तुम्हारे बारे में ही यहाँ सब लोग बातें कर रहे थे। अच्छा। वो सब तो ठीक है, वैसे तुम कर क्या रहे हो? मैं अभी पूजा कर रहा हूँ। इस टाइम पर कैसी पूजा? क्यों, हमें जल्दी से बच्चे नहीं चाहिए क्या? हमेशा इसी बारे में सोचते रहते हो, चुपचाप जाओ और जाकर सो जाओ। अरे सोने को बोलूंगी तो कैसे सो पाऊंगा? एक तो बाजू में तुम तो हो नहीं, और मैं यहाँ फुल फॉर्म में बैठा हूँ, कुछ तो एनर्जी दो ना मुझे। एनर्जी मतलब? एनर्जी मतलब बूस्ट या फिर टॉनिक जैसा। बूस्ट और टॉनिक, उसका मतलब? बूस्ट मतलब लिप टू लिप किस होता है, और टॉनिक मतलब गालों पर जो देते हैं ना। अब बूस्ट नहीं दे सकते तो टॉनिक तो दे दो। ये क्या किश्तों पर देते हैं, ऐसे क्यों दे रही हो? अब बस करो, तुम्हें एनर्जी चाहिए तो मेरी एनर्जी बर्बाद मत करो। फोन रखो। सुनो सुनो, इतनी जल्दी एनर्जी चली जाएगी तो कैसे चलेगा सेठानी? आगे तो पेप्सी है, कोक है, पिज्जा है, बर्गर भी है। अब मैं तुम्हें एक बूस्ट देता हूँ, पागल कहीं की। अंदर ही रहे।
नो डिस्टर्बेंस। अंदर आइए। क्या हुआ? सुबह सुबह तुम यहाँ और तुम्हारे चेहरे पे इतना डर कैसे और इतना पसीना क्यों आ रहा है? गणेश भाई, कविता जरा इधर तो आ, विवेक आया है। ए सेठ, सुबह सुबह यहाँ कैसे चले आए? बैठो कविता, बैठो तो। ए क्या हुआ बताओ? मैंने सुनो विवेक, मेरी तरफ देखो और बोलो क्या बात है, बोलो। क्या सेठ जी, कल आपने भी भूतों वाली फिल्म देख ली लगता है। स्टोरी बहुत अच्छी है। दिमाग मत खराब करो कविता, मुझे इस हालत में देखकर तुम्हें हंसी आ रही है ना? और नहीं तो क्या, फोन में कोई भूत भूतनी आ सकता है क्या? बकवास मत कर, कुछ ऐसा बोल जो भरोसे लायक। अरे मेरी बात तो सुनो यार,
जीजा जी, आपकी बातें सुन सुन के मुझे दूर दूर से हंसी आ रही है। हम लोग दारू पी के शमशान में सोने वाले लोग हैं और आप हमें डरा रहे हो। रात को कोई सपना देख लिया होगा और आप लोग ऐसे मजाक में उड़ाइए। सपना वगैरह कुछ नहीं देखा था मैं, आज से यहीं पर रहूंगा बस। क्या यहाँ पर? कविता एक काम करना, जा जाके गिलास पानी ले। पता नहीं क्यों मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। हमने शादी तो फिक्स कर ही दिया ना, अगले महीने शादी है तो इतना बड़ा प्लान बनाने की क्या जरूरत थी, बेकार का ड्रामा कर रहे हो। अरे ओ बेवकूफ साले साहब, समझा करो यार, घर में भूत है, अकेले नहीं सो सकता हूँ मैं। भैया लीजिए। हाँ, ये ले ले पानी पी। कविता मुझे नहीं पता था कि हमारे जीजा जी इतने डरते हैं। भैया आज रात आप दोनों जाकर इसके घर सोइएगा। ये ठीक है। क्या भाई, ये एरिया तो डायरेक्टर भंसाली की ब्लैक फिल्म की तरह ब्लैक लग रहा है मुझे। यही देखकर अपने जीजा जी डर गए होंगे, लेकिन अपनी बहन जब यहाँ आएगी तो रोशनी हो जाएगी। ज्यादा मत बोलो, चुपचाप अंदर चलो। अरे अंदर तो चलोगे? अरे धक्का मत दो, अरे धक्का मत दो, मुझे डर लग रहा है। कब तक ऐसे अपने घर को बाहर से देखते रहोगे? चेयर नहीं दिख रही है। अरे अब कौन सी चेयर नहीं मिल रही है? पता नहीं भाई। चेयर अंदर है, अंदर चेयर। अरे ये क्या चेयर गेयर लगा रखा, चला पीछे देखने देना। रमेश भाई नहीं भाई, अरे यही है ना वो चेयर। हाँ गणेश भाई, इस चेयर पर कल वो भूतनी बैठी हुई थी। भूतनी बैठी हुई थी। चलो उस पर मैं भी बैठ कर देखता। गणेश भाई नहीं। अरे ये क्या, सब तरफ घर में पुरानी कलाकृतियां क्यों रखी हुई हैं? क्या करते हो इनका? वो क्या है ना गणेश भाई, वो एक मेरा दोस्त रहता था, वो सिनेमा फिल्मों में डेकोरेशन करता था। वो अचानक विदेश चला गया तो अपना सामान यहीं छोड़ गया। ठीक है। भगवान के लिए आप इस चेयर से उठ जाइए, कहीं भूत ना आ जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। ए, मेरी बात सुन, तेरा दिमाग तो पूरी तरह से गर्म हो चुका है। तू एक काम कर, बाथरूम जा, शावर खोल, ठंडा पानी अपने सिर पर डाल, तो पूरी तरह से कूल हो जाएगा। उसके बाद सीधा पूजा में बैठ जा। नहीं, देख के रहा, जाके पूजा का सामान लेके आ। ठीक है भाई। मेरी अरे बात आप पहले नहा तो लो जीजा जी। अरे अच्छे से नहा के तो आए ना, अब अपने भगवान का नाम लेकर बैठो और अच्छे मन से। अरे मुंह क्या देख रहा, खोली से। ये क्या है भाई नया सा? वो क्या है ना विवेक, जब ज्यादा नशा चढ़ जाता है ना तो पानी कितना मिला रहे हैं और दारू कितनी मिला रहे हैं उसका पता ही नहीं चलता, इसलिए पूरी एक साथ अभी मिला देते हैं तो क्या है कि किडनी और लीवर दोनों का लेवल सही बना रहता है। ग्लास दे भाई, वो पीना। Cheers. शराब पीने वालों को बदल देती है शराब की आदत, शरीर खराब कर देती है ये। Cheers. भाई, हाँ? सच में तुम दोनों को डर नहीं लग रहा है क्या? देखो जीवन चक्र एक समय है, इसमें डरने वाला समझो हार गया। ये रहा चौथा जाम। जीजा जी क्या? बिल्कुल डरो मत भाई, अपने वॉइस ओपन कर रहे हैं। वो क्यों? तू चले संग चले सभी गुल, अपना ख्याल चुप जाओ, दोनों चुप जाओ। मिलने की रात आ गई, पागल हुआ। क्या बात है भाई, क्या बात है, मैं पागल हुआ। ठीक है जी भाई, अगर फिल्मों में गाने गाएंगे तो सबके छोटे। Wow.
रहा है भाई, भूतनी आ गई है। गणेश भाई, गणेश भाई, गणेश भाई उठो ना, गणेश भाई प्लीज उठो, फोन बज रहा है, देखो ना। ए रवि, रवि, अरे रवि, अरे रवि देखना यार फोन बज रहा है। अरे रवि फोन बज रहा है, फोन बज रहा है तो मुझे क्यों उठा रहा है, फोन उठा। वो भूतनी आ गई है। फोन पे कहां से भूत आएगा? देख सुन सुन, भूतनी भूतनी। शांत रहो यार। अंदर वो भूत भूतनी है भाई, वो देखो क्या? वो देखो भूतनी। अरे क्या मजाक कर रहा थी कर? भूतनी बचा, बचा भूतनी से बचा। अरे अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ रवि? क्या हुआ तुझे? अरे क्या हुआ तुझे? अरे अरे पता क्यों नहीं यार, बोल ना क्या हुआ? अरे बात क्या है? क्या हुआ बोल ना? वो भूतनी। भूतनी कहाँ है? भूतनी वहाँ ऊपर है। अरे ऊपर सीलिंग फैन लगा है, आंखें खोल के देख। गणेश भाई वो आवाज, वो इस गधे का काम होगा पक्का, दारू पीकर शावर खुला छोड़ दिया इसने और तू भूतनी भूतनी चिल्ला रहा। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया, परेशान करते रहते। अरे अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ। ये क्या है? पता नहीं भाई। देखो शादी से पहले तो ये सब ठीक है, शादी के बाद ये सब चला तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, याद रखना। शादी के बाद सिर्फ एक के साथ। भाई भाई मुझे सच में पता नहीं वो किसका है, पता नहीं वो यहाँ कैसे आ गया, सच में विश्वास कर। ए तू रुकना, ए सुन मेरी बात, अंदर जाकर वो मत देखना, बच्चों का वो देखना मना है। भाई मचाओ प्लीज। तुम चुप रहो ना विवेक, बेकार में डराया मत करा करो। हेलो, अरे कोई मिस कॉल मार रहा और तुम बेकार में डरे जा रहे हो। दोबारा कॉल भाई, रहने दो भाई। हेलो, बार बार मिस कॉल देके परेशान कर रहा है ये, लेकिन ये कॉलर कौन है मैं पता लगा लूँ। भाई आप जेब में क्यों रखे हो भाई? ए, तुम लोग इससे डर कर क्यों भाग रहे हो? हाँ एक फोन देखकर तुम्हारी पेशाब निकल गई, कैसे मर्द हो तुम लोग? इसमें भूतनी है भूतनी बोल के बेकार मुझे भी डरा रहे हो। जितनी मिक्स करके पी थी सारी उतर गई, चलो अब एक एक पैक और लगाना पड़ेगा। भाई मेरी बात मानो, निकलो यहाँ से। क्या कहा? हाँ तो तू निकलना। अरे विवेक तुम निकालो ना फोन, तुम तो शेर आदमी हो, पॉकेट में हाथ डालो और फोन निकालो। अरे क्या हुआ? आपके पैंट में छेद है भाई। अच्छा, चड्डी में छेद था भाई। अरे बिल्कुल नहीं, मुझे तो नीचे चड्डी पहनने की आदत ही नहीं। फिर फोन कहाँ है भाई? लगता है छेद से नीचे गिर गया होगा। तुम दोनों यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ। एक बार मिल जाए तो अच्छे से करा ही दूँगा। अबे गीदड़ कहीं के, चुप बैठ, मैं जाकर देखता हूँ कौन है जो हमारे मजे ले।
ये बार बार फोन करके हमारे मजे ले रहा, अब देख मैं इसे कैसे मजे चखाता हूँ। हेलो कौन हो? अरे आप कौन है ये बताइए। प्रभु भाई, ये स्वर्ग लोक वाले प्रभु है, मतलब हम लोग वो वाले प्रभु, पर हमने कुछ नहीं किया भगवान, हमने तो बस थोड़ी सी शराब पी थी, हमें माफ कर दीजिए। अरे नहीं, नहीं 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 नहीं, मैं वो प्रभु नहीं हूँ, संजय प्रभु हूँ। रेखा जरा चाय लेके आना। क्यों आप इस तरह से चिल्लाते रहते हो? ये सब लोग कौन है, पहली बार देख रही हूँ अपने घर में। अरे बेवकूफ, तुझसे चाय भी नहीं संभलती है। क्या कर दिया? अरे रे, हे भगवान, ये मैंने क्या किया, अपनी बीवी को मार डाला। क्या हो रहा है यार, भाई भागो यार, क्या लगता है पागल है, बच्चे सब तरफ अंधेरे हैं। अरे रवि, लाइट लेके आ जल्दी। हां भाई, मैं लाइट लेता हूं। अबे जल्दी भाई, रुको, इधर लगा, कहां छोड़ के जा रहे हो भाई? अरे जल्दी कर। ये तो इधर ही आ रही है, क्या उतरी? बचाओ, हम लोग ये क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे मैं कहाँ हूँ, मैं जब से नीचे गिरा हूँ तब से दुनिया ही पलट गई, मेरी आंखें कमजोर होती जा रही है। चलो ये लाइट से इससे काम चलाता हूँ। लगता है भूतनी अपना घर दिखा रही है, जैसे कोई लाल किले का टूर करवाता है। अरे रवि, अपने अपने भाई को बीच में छोड़ के भाग क्या रहे? अरे कपड़े देख कर बैठा लगता तो। जीजा जी, इस तरफ उजाला है, इस तरफ चलते, चल चल चलते। कहाँ फंसा दिया आपने? लगता है यहाँ से बाहर निकल
जी वहाँ दरवाजा है, चलो वहाँ से निकलते हैं। जल्दी चल चल चल। अबे इतनी लाइट चल रही है फिर भी तो हाथ में लाइट लेके क्यों घूम रहा है? अरे अगर फिर से लाइट चली गई तो क्या भूतनी हमारे लिए लाइट लाएगी? तू भूतनी की बात करके मुझे डराता है। मैंने बोला था ना लाइट कभी भी जा सकती है, देखो लाइट चली गई। लाइट कभी से तो कम से कम ठीक से पकड़। अरे जीजा जी, लाइट पकड़ने का मैंने कोई डिप्लोमा नहीं किया है। ज्यादा मजे लेना ना, तू बाहर मिल, तुझे देखता हूँ। जा तू। हे भगवान, अगर ऐसे धीरे धीरे चलता रहा तो बाहर निकल सकता हूँ। अरे ये तो बड़े शान से लड़की लगता है, किसी बड़े घर की लड़की है। रवि, रवि कहाँ हो तुम लोग? ये तस्वीर तो धीरे धीरे बड़ी होगी। देखना। ठिकाने लगाता हूँ, देख जरा इसका थोड़ा सपोर्ट ले लूं तो बिगड़ता काम भी बन जाएगा। ये ले पकड़, इसे नीचे रख दे और यहाँ खड़ा रहे और तमाशा देख अब कि मैं क्या करता हूँ। भाई कौन है तू और क्या चाहिए तुझे? किसे भेजू, इस रवि को भेजू या विवेक को भेजू? बोल। सब लोग आ जाए, हाथ पकड़ के रखना। कविता, अरे मेरी बहन की क्या हालत करती? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा ये बताओ ना, तुम इतना क्यों परेशान कर रही हो हमें? तुम हो कौन? श्रीदेवी। श्रीदेवी जी, आपको चाहिए क्या? बोलो। डॉक्टर श्रवण। डॉक्टर श्रवण, ये तो कोई नया नाम लग रहा है यार। तो तुम्हें उसके पास जाना चाहिए था ना, यहाँ क्यों आई? मैं खुद नहीं आई, यही मेरा फोन चोरी करके लाया, इसलिए मैं यहाँ आई। तुमने इसका फोन चोरी क्यों किया? चल वापस दे दे। सच बोल इनको। क्या बताऊं भाई, ज्यादा बोल रहा ना तो तू खींच के बकवास कर रहे हो। आज के बाद हमारी बहन के आगे पीछे दिखा तो हड्डियां निकाल दूंगा तेरे बॉडी में से, समझा? तुम दोनों मामा बनने वाले हो और ये बात भूलना मत। अबे ये क्या मामा बनने की बातें कर रहा है? समझ नहीं आ रहा भाई, तुम्हारी बहन की पेट में मेरा खिलौना पड़ रहा है।
भाई इसने एड़ा बन के पेड़ा खा लिया। ये सब कब हुआ? ये सब तो फ्लो में हो गया साली साहब। भगवान मेरे कानों से धुआं निकल रहा है। हे भगवान मुझे माफ कर दो साली साहब, वो गलती से हो गया। ओए उधर क्या बातें कर रहे हो, वो भी मेरे सामने। नहीं नहीं वो कुछ हमारी फैमिली की आपस की बात थी तो बस वो ही सॉल्व कर रहे थे। अगर तुम्हें ये जिंदा चाहिए तो डॉक्टर श्रवण को यहाँ लेके आओ। श्रवण को? उसको वो कहाँ मिलेगा? आए जाके लेके आओ उसे। मेरी बहन जाओ यहाँ से। अरे जा रहे हैं। देखो कोई जल्दबाजी मत करना, मेरी बहन पेट से है, जैसे हमारी धुलाई की उसकी धुलाई मत करना प्लीज। मैडम डॉक्टर श्रवण है क्या? आप कौन? हम उनके खास दोस्त हैं। ओ एक मिनट वेट कीजिए। हाँ। श्रवण सर है क्या? ओके वो अभी ऑपरेशन थिएटर में है। हाँ। आप तब तक उनके रूम में वेट करिए। ओके थैंक यू मैडम। क्या हुआ है? और कितने डॉक्टर को दिखाऊं? इनसे अच्छा डॉक्टर कहीं नहीं है। डॉक्टर देखिए ना मेरे भाई को क्या हुआ। डॉक्टर आपने जो भी इंजेक्शन और दवा दिया है उससे कुछ असर नहीं पड़ रहा है। डॉक्टर शराबी की तरह बार बार बेहोश हो जाता है। डॉक्टर देखिए ना डॉक्टर क्या हुआ है। ये क्या है? डॉक्टर क्या ढूंढ रहे हैं? डॉक्टर डॉक्टर मुझे पता है। ठीक तो जाएगा ना डॉक्टर? इस बार हाई पावर की दवा लिख के देना डॉक्टर। इस शनि को जहाँ से लेके आया था वही डाल के जा, ठीक हो जाएगा। ये क्या कह रहे हो डॉक्टर? इसकी उम्र कितनी है? अभी तो 40 साल का ही है। 40 साल तक बिना शादी के रहेगा तो क्या हाल होगा इसका? इसके शरीर में कोई भी ऐसी जगह नहीं बची जिसमें प्यार की लीला न बह रही हो। ऐसे छोड़ेंगे तो एक महीने में फट जाएगा। सर क्या है? बाहर आपसे कोई मिलने आया है। वेट करने को बोलो। आ रहे हो? ये दवा ठीक से लेने को बोल देना। ठीक है। और सबसे पहले इसकी शादी करवा दो। ठीक है सर। तुम्हारी एज कितनी है? 45 साल का हूँ सर। शादी हो गई तेरी? 3 बार हो गई है, चौथी की तैयारी चल रही है। मुझे कोई स्ट्रॉन्ग दवा दोगे तो 5 की भी तैयारी कर लूंगा। लगता है डॉक्टर बाहर आ रहा है। जैसे ही बाहर निकलेगा उठा लेंगे इसे। डॉक्टर आ गए। डॉक्टर क्या आपका ही नाम श्रवण है? हाँ ठीक है बैठो। थोड़ा हमारे घर तक आओगे तो अच्छा होगा सर। क्यों? घर पे किसी की तबीयत खराब है क्या? उसे एम्बुलेंस में लेके आना चाहिए था। नहीं नहीं हमारे घर पर भूतनी आई हुई है डॉक्टर। भूतनी? ए मैं भूतों का डॉक्टर नहीं हूँ, लगता है गलत जगह पे आ गए हो। वो भूतनी आपसे मिलने आई है डॉक्टर। ये क्या कह रहे हो? डॉक्टर श्री देवी। श्री देवी? लगता है इन्हें याद आ गया। हाँ वही वही वही। आप लोग कौन हो? अरे हमारी पहचान को जाने दो, वो आपसे मिलना चाहती है। चलिए डॉक्टर। ए पागल हो क्या तुम लोग? से मरे 2 दिन हो गए। वही तो डॉक्टर, वो भूतनी बन के हमारे घर में डेरा डाले बैठी है। अगर आप पूरी कहानी सुनोगे ना तो। बहुत बड़ी कहानी। गणेश भाई ये तो कहानी बताने वाला था लेकिन अभी तो गाने की तैयारी कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में भी गाना गाना जरूरी है डॉक्टर। फ्लैशबैक बताऊंगा तो आधा घंटा लग जाएगा लेकिन अगर गाना गा के सुनाऊंगा तो 3 मिनट में खत्म हो जाएगा। आपकी आवाज में? हाँ क्यों? आप तो शुरू कीजिए।
सपने उनके उड़ने लगे। सिंगल जूस डबल स्ट्रॉ था, मिलके दोनों पी गए रे। फिर हम दोनों मरीना बीच पे घूमे घूमे, मजा आया रे। अम्मी चाचा दाई मिलकर शादी करवाने लगे। पापा दही पाए मंडप से वो ले गए रे। मामा चाचा अम्मा सभी पैर मेरा पकड़ने लगे। रीना कहे शादी होगी तेरे पापा मर जाएंगे। लड़की मुझसे बोली प्यार करती हूँ, शादी तुमने मुझसे नहीं की और किसी से कर ली रे। पर इस जन्म बनके साथ ही रहोगे, सुन लो तुम मेरे। देखो तुमने मुझको धोखा दिया शादी करके। वो एक लड़की को धोखा देने की बात सुना रहा है और तुम लोग दुखी हो रहे हो, पागल। वो चेन्नई में सेटल हुए, नॉर्थ इंडियन फैमिली से है। एक इंसिडेंट में उसके मम्मी पापा ने खुद को गोली मार ली थी। ये वही चाय वाली फैमिली। वो तीन लोग घर में जो थे वो वही। उसका मेरे सिवा और कोई नहीं था। ऐसे हालत में अचानक आज तक ऐसी दर्द भरी कहानी हमने पहले कभी नहीं सुनी सर। हम तो बचपन से ही गरीब हैं, इसलिए पूरा बचपन अंधेरे में ही बीता। किसी का कुछ गलत नहीं किया। वहाँ मेरी सगी बहन है। मैडम आप ही कुछ समझाइए ना, इन्हें हमारे साथ भेज दीजिए। आप ये गिटार नीचे रख के हमारे साथ चलिए। नहीं भाई, ऐसी हालत में गया तो मुझे मार डालेगी। पहले आप इसे नीचे रखिए डॉक्टर साहब। अरे ये प्यार से समझने वाला नहीं, इसे कान के नीचे बजाओ, इसे लेके चलो। एक मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरा इनके सिवा कोई और नहीं है सर। अगर इनको कुछ हुआ तो मैं भी सड़क पर आ जाऊंगा। इसके लिए अरे तो रुक ना यार। मेरे पास एक आइडिया है सर, एक मिनट सर। लगता है कुछ मिल गया। ये देखिए, इनका नाम गेंद स्वामी है। भूत भगाने में बड़े एक्सपर्ट हैं। आज तक जो रेटिंग किसी को नहीं मिले हैं वो 5 स्टार इन्हें मिले हैं। पक्का ही आपके घर की भूतनी को जरूर भगा देंगे सर। इनका अपॉइंटमेंट भी मैंने ले लिया है। ये इतना कह रही है तो ट्राई कर लेते हैं ना। अरे कुछ भी करो, टाइम नहीं है। मेरी वहाँ बहन बैठी हुई है। बाहर आजा। Let's play. स्वामी जी उस तरफ बाथरूम है, उतनी तो इस कमरे में। I know the devil plays all sides.
साइलेंट अरे उन्हें अपना काम करने नाउ टर्निंग सर्चिंग कंटिन्यूअस वो भूत नहीं इधर ही है ये बात तो मैंने पहले ही आपको बताई थी ना शट अप फिफ्टी डिग्री 50,000 निकाल के रखो क्यों वो इसलिए भूतनी ताकतवर है दे दो भाई बाद में देख अरे दे दो ना भाई लेट किया तो 70 डिग्री हो जाएंगे ये लो भाई क्या तुम्हारे घर में कोई स्कूटी है अरे स्वामी जी मैंने कभी स्कूटी चोरी नहीं की है स्कूटी मतलब लेडीज भूत पल्सर मतलब जेंट्स भूत तब तो स्कूटी है स्कूटी ही है पल्सर स्टैंड अप सिट सिट तुमको भूतनी ने कुछ नाम बताया क्या स्वामी भूतनी ने नाम बताया क्या श्रीदेवी 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 शक्ति सत्यम शांतम रूपम शुभम ये स्वामी जी थिएटर का नाम क्यों ले रहे हैं भाई उनका काम है उन्हें करने दो ना शट अप अब तुझे क्या चाहिए बोल लेकिन उससे पहले तुझे मुझसे जीतना होगा चिल्ला क्यों रही है मैं तुझसे भी ज्यादा खतरनाक हूँ मैंने उस चंद्रमुखी का नामो निशान मिटा दिया अरुंधति को उसके घर जाकर बंदी बनाया था कांचन को रुला रुला कर मारा था इधर देख अगर तुझे श्रवण चाहिए तो मेरे साथ 3 गेम खेलने होंगे उसमें से 2 गेम अगर तू जीत गई तो श्रवण तुझे मिल जाएगा 2 गेम अगर मैं जीत गया तो बिना कुछ बोले तुझे सांप की तरह इस हॉट बॉक्स में 365 साल के लिए कैद होना पड़ेगा समझ गई ना अरे भाई स्वामी जी अगर उस भूत के साथ गेम खेलेंगे तो जीत जाएंगे ना भाई भूत कैसा भी हो स्वामी जी से 2 गेम से ज्यादा नहीं खेल पाएगा उससे पहले स्वामी जी से वश में कर लेंगे गेम स्टार्ट नाउ ये लीजिए उठे भी दो ये लो तुझे रुला रुला कर भगा दूंगा स्कूटी फर्स्ट केले के पकौड़े मेरी तरफ से फ्री और ये रहा 3 राजमा चावल इडली सांभर मैसूर पाक के साथ 2 डायमंड गेम खत्म हो गया गुरुजी जीत गए नेक्स्ट नाउ गुरुजी फर्स्ट थैंक यू स्वामी जी ऐसे कैसे खेल रहे हैं यार अरे स्वामी जी तो इस खेल में हार गए भाई हमारे 50,000 अपनी जेब में दबा के ये भूतों के साथ कैसा गेम खेल रहे हैं क्यों मेरा अगला गेम देखो 50 डिग्री स्वामी जी पल्सर स्टार्ट द नेक्स्ट गेम ओके कौन सी गोली स्वामी गेम स्वामी थोड़ा टारगेट अचीव करो ना अंदर मेरी बहन फंसी हुई है विराट कोहली गांगुली स्कूटी बोल रही है बीच की गोली गो 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 योर टर्न लास्ट गोली कम ऑन अब तुझे इस शॉट बॉक्स में आना होगा तेरा इस बॉक्स में घुसने का टाइम आ गया क्यों मना कर रही है इस शॉट बॉक्स में जल्दी आ इसके अंदर कैसे लाना है मुझे अच्छे
अच्छी तरह पता है। तुम सब लोग बाहर जाओ, पहले मैं इस भूतनी को बॉक्स के अंदर बंद करूंगा, फिर तुम्हें बुलाऊंगा। जल्दी बाहर जाओ। चलो यहाँ से, चलो चलो, ये जीत गए, अब ये भूतनी भाग ही जाएगी। ऐ स्कूटी, तू मुझे होशियारी दिखा रही है? मैं कौन हूँ पता है? ये नहीं हो सकता। मैं कौन हूँ जानती है? ना देख, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। शांतम शांतम शांतम, आंखें खोल कर देखो। वो कब के चले गए? तुम अपनी दीदी से भी अच्छी एक्टिंग करती हो। आप भी ना बस ऐसा कहते हो, लेकिन मुझे कहाँ ले जाते हो? मेरी दीदी को ले जाते हो ना? एक थप्पड़ दूंगा। उसे जब भी बुलाता हूँ तुरंत भाग कर आ जाती है। तुम आती हो क्या? आपने कभी दिल से बुलाया? अरे बाप रे बाप डार्लिंग, तुम्हारे मन में मेरे लिए इतना कुछ है? आज के बाद तुम्हारी दीदी, नो, इस साल के 52 प्रोग्राम तुम्हारे साथ। ले लो एडवांस में टोकन, ले लो। बेहोश होकर लेट जाओ, मैं हॉट बॉक्स उन लोगों को दिखाकर, वो अंदर आ गई ऐसा बोलकर इसे बाहर छोड़ने को बोलकर आता हूँ। उसके बाद हम दोनों मजे से किमकी कुमका मजे करेंगे। रियली लव यू। यस यस मी। ऐ श्रीदेवी, ऐ श्रीदेवी। ए क्या हुआ डार्लिंग? तुमने मुझे पुकारा, मैं जाकर आता हूँ ना। नहीं तो? तुमने नहीं पुकारा तो फिर किसने पुकारा? कहीं यहाँ की गई डीलिंग तुम्हारी दीदी को तो पता नहीं चल गया? उसके कान बहुत बड़े हैं, उसने सुन लिया होगा। मैं जाकर आऊं। ये क्या है? ये गोली कहाँ से आ रही है? जाने दो, इसे उठाकर माथे से लगा लेता हूँ। कौन है? किसने मुझे मारा? क्यों मार रहे हो? तुम हो क्या? इस तरह मुझे घूर कर क्यों देख रही हो? ए भूतनी, तू पढ़ी लिखी है कि नहीं? एक मर्द को इस तरह मारते हैं क्या? बोलती तो माफी मांग लेता ना। 50,000 रुपए लिए हैं मैंने, उसके लिए इतना मारेगी क्या? मेरे मुंह से गाली निकले इससे पहले चली जा। बाप रे, ये स्कूटी बहुत मजबूत है। पता नहीं अंदर हो क्या रहा है। अरे ये तो गेम स्वामी की आवाज है। वो भूतनी लगता है उनकी पिटाई कर रही है जबरदस्त। अरे और क्या, ऐसी थोड़ी है, इतनी बड़ी भूतनी को जरा से हॉट बॉक्स में बिठाना भी तो पड़ेगा। अच्छा ऊपर जाके बैठी है। स्वामी जी की आवाज ज्यादा आ रही है, मतलब भूतनी की हालत क्या हो रही होगी ये तो सोच। क्या हो रही होगी? भस्मी बन गई होगी। हमारी बहन मिल तो जाएगी ना। अरे तो और कहाँ जाएगी, अंदर ही तो होगी वो। अरे ये क्या, स्वामी जी की दो गोटियाँ तो घर के बाहर लुढ़क रही हैं। अरे क्या हो गया? I'm very tired. कुछ पता नहीं चल रहा अंदर क्या हुआ होगा। I'm tired, very tired. स्वामी जी क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? गुरु जी। अरे रो क्यों रहे हो आप? अरे भाई पूछते हुआ क्या? क्या हुआ गुरु जी, क्या हुआ? स्वामी जी आप रो क्यों रहे हो बताइए ना। वो क्या है ना, मैंने भूतनी को बहुत मारा इसलिए मुझे बुरा लग रहा है, इसीलिए रो रहा हूँ। आपने उसे मारा तो आपके मुंह पे खून क्यों लग रहा है? समझते नहीं यार, मैंने भूतनी को इतने पंच मारे कि उसका ब्लड रिटर्न 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 मेरे ऊपर आया। अच्छा अच्छा। स्वामी जी आपके आने से पहले दो गोटियाँ बाहर आ गई, इसका मतलब क्या है? चुप कर, ये बात उन गोटियों से जाकर पूछ, मुझसे क्यों पूछ रहा है बेवकूफ। अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ वो भूतनी भागी या नहीं भागी? अरे यार अब तक तो वो कई किलोमीटर दूर भाग गई होगी, तुम लोग आराम से जाकर सो जाओ। आई गिव,
ये तो खुशी की बात है। अब आप यहाँ से जा सकते हैं, साथ में इस आइटम को भी ले जाओ। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो डार्लिंग, इस साल के पावन प्रोग्राम में तुम्हारे साथ ही करूँगा। कविता 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 कविता, कुछ बोल क्यों नहीं रही है कविता? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ठीक तो मुझे भी नहीं लग रहा है, लगता है स्वामी चुना लगा के। श्रीदेवी अरे तो भूत नहीं है यार। स्वामी देव को पता मैंने क्या कहा था और तुम क्या क्या किया है? लेकिन हमने कुछ नहीं किया मैडम, ये तो आपके लवर का आइडिया था। सच में पर बोला बहुत गिड़गिड़ा है, लेकिन उसने आने से मना कर दिया। अब मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझे शवर के घर ले चलो। आपसे मिलने श्रीदेवी आई है। मेरा दादा आ रहा है ना? आ रहे हैं। अरे तुझे क्या हो गया? बहुत जोर से सुसु आ गई है भाई। अरे तो इसमें रोने की क्या बात है? कंट्रोल नहीं हो रहा है इसलिए आंखों से आंसू आ रहे हैं। पैंट में तो नहीं कर ली ना? डर के मारे पैंट तो गीली होगी ना। देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का लॉलीपॉप लेकर आ रही हूँ। ये लो ना, खाओ ना डार्लिंग। डार्लिंग, लगता है तुम कुछ करके आया हो ना? तुम्हारे गले में जो माला है वो निकाल देखो। गले से इस माला को निकाल दो मैंने कहा। त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युं अमृतात्। ये सब क्या है? ओ, ये जो स्वामी जी के बारे में बताया था ना, ये वही है। ये लो माला पहनो। शुक्र बंदे।
आपने मुझे क्यों बुलाया? ये लो, इसे तुम तीनों लोग अपने गले में डाल लो। जी ठीक है स्वामी। ऐसा लगता है अब असली वाले बाबा आए हैं। ये लो जीजा जी, लो भाई आप पे पहन लो। उस लड़की के शरीर से आत्मा निकल चुकी है, इस माला को पहना दो। ठीक है स्वामी जी। कविता, 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 कविता उठ, उठो, कविता उठो। तुम्हें याद हो जाए तो बता देना। हाँ, मुझे याद है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। अरे हाँ बताओ ना बताओ। एक दो तीन का मतलब भूतरी भाग जा। तू बोल, अब तू बोल। अरे मैं नहीं बोलूंगा भाई। डरपोक है क्या? एक दो तीन। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तुझे क्या चाहिए? ये चाहिए। वो नहीं मिलेगा क्योंकि आत्मा बन चुकी है। ये क्या बात कर रही है? जिंदा थी तो इससे प्यार कर रही थी, मरने के बाद भी इसी से प्यार कर रही है, लेकिन उसकी पत्नी तो उसे छोड़ ही नहीं रही है। ऐसा क्या स्पेशल है इसमें? समझ में नहीं आ रहा यार। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे सूखे कबूतर को किसी ने चश्मा पहना दिया हो। ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई हॉरर फिल्म देख रहे हैं। मरण गीत पढ़ने वाला वो महाकाली, तेरे अंदर बात कर रही है महाकाली। वो तुझे हुक्म दे रही है और तुझे मानना पड़ेगा। काट ले अपने बाएं हाथ को, ज्यादा सोच मत, काट ले, काट ले, देख जा रही है, काट ले, नौ दुर्गे काट ले, काट ले अपने बाएं हाथ को, काट अपने बाएं हाथ को, काट काट, मुझे छोड़ दो। काट ले अपने दाएं हाथ को, काट ले अपने दाएं हाथ को।
क्या कह रही हो? नहीं स्वामी, ये मेरे पति के साथ मिलकर जीना ही तो चाहती है ना, इसे छोड़ दीजिए। समझ नहीं आ रहा है तुम क्या कह रही हो। उस आत्मा को मेरे शरीर में घुसा दीजिए। मजाक कर रही हो क्या? वो प्रेत है, बुरी आत्मा है। प्रेत इंसान के शरीर में जाएगा तो पता है ना क्या होता है? पता है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। भले ही प्रेत हो लेकिन थी तो वो भी एक औरत। उसने जैसा चाहता उसे एक दिन जी लेने दो। मधुमिता, श्री देवी, ये तो गलत नहीं कर रही है क्या? नहीं, अपने शरीर में मुझे एक दिन की जगह दी है। उनके शरीर को मैं धोखा नहीं दूंगी। एक दिन जी कर चली जाऊंगी। शुभम अस्तु। लोगों की जिंदगी में पत्नियां ही भूतनी बन जाती हैं, लेकिन यहाँ तो ओरिजिनल भूतनी पत्नी और लवर दोनों के रूप में एक साथ मिल गई। अब तो आगे नाच गाना डांस खूब मौज मस्ती करेंगे ये लोग। जिंदगी इनकी खुशहाल हो गई। कविता, 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 कविता उठो, कविता उठो, कविता कविता उठो, आगे खोल ली, हो गया। हम कहाँ हैं? अरे वो सब बाद में बताता हूँ, तू पहले खड़ी तो हो जा। चलो यहाँ से, सब रास्ते में बता देंगे। चलो यहाँ से, चलो चलो, पहले यहाँ से निकल जाए। चलो चल 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 ना, चल यहाँ से। कहाँ जा रहे हो यार ऐसे छोड़ के? अरे एक ही बॉडी में दोनों मिल गए, एंजॉय। चलो भाई। डार्लिंग, आओ ना। थोड़ा संभल के आना कविता। चलो चलो चलो, सब ऐसे घबरा रहे हो? तू चल ना। कोई कुछ कहता कि नहीं कविता? वो बहुत बड़ी भूतनी की कहानी है, वो जान के क्या करोगी? तुम तो पेट से हो ना। अब चलो आओ, चलो। क्या कहा? मैं पेट से हूँ? अरे तेरे पेट में बच्चा है, ये मुझे इसी ने तो बताया था। ओए, ऐसा तुमने कहा? वो तो बाद में पैदा होनी ही है ना। तो भैया, भूत से इसने आपसे झूठ बोला है। इसने झूठ बोला? मुझे झूठ बोलने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तुझे छोड़ूंगा।